ये देखिए जी दोस्तों, आज फिर एक दफ़ा उसी मकाम उसी जगह पे मौजूद हैं ये जी हमारे लाहौर के माशाल्लाह ताला जी बुजुर्ग हैं, जिन्होंने सबसे पहले राजनपुरी बकरा तैयार किया था। आज फिर इनके पास मौजूद हैं। ये रात का टाइम है लाहौर, तकरीबन आप मेरी घड़ी पे देख सकते हैं इस वक्त तकरीबन 11:30-12 का ये टाइम है, ठीक है। ये देखिए आधी रात को भी अपने जानवर की ये माशाल्लाह ताला जी खिदमत कर रहे हैं। पहले राजनपुरी इनके पास था, अब ये लोही नस्ल का जो साहीवाल और दूसरा ये उकाड़ा पत्तों की वाली साइड पे ये पाया जाता है। ये माशाल्लाह जी ये देखें, ये बुजुर्ग की एक्टिविटी की माशाल्लाह ताला जी ये राज है। और इनसे पूछते हैं, पहले भी हमने इनकी वीडियो बनाई थी लाहौर में आके, अभी आज टाइम मिला तो मैंने कहा जी चले इनसे मिलते जाते हैं, क्योंकि शौकीनियों को हमारा काम है कि प्रमोट करना। और आधी रात को भी वेपर ले के, और दूसरा ये कि इनकी ये डस्टबिन है उसमें ये गंद वगैरह ये डालते हैं। सबसे पहले जी इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा जी, नाम अपना बताएं। मोहम्मद आजम। आजम साहब, आजम साहब हम किस जगह पे मौजूद हैं? हम बागुल बेगम मजंग में। बागुल बेगम मजंग में मौजूद हैं। अच्छा जी आजम साहब, पिछले साल हमने आपकी वीडियो बनाई थी, इसी तरह ही बात है ना, आपके पास राजनपुरी बकरा था माशाल्लाह, कितना वजन हुआ था उसका? बड़ा वजन तकरीबन ढाई तीन मन के राउंड बोर्ड था माशाल्लाह ताला। पूरा आपने एक साल उसको अपने हाथ से खिलाया है, खिदमत की है, तो फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया है। कुर्बान भी किया है, और आखिरी दिन के अंदर जब इन्होंने ज़िबा किया मैं उसके पास नहीं खड़ा होता, ठीक है, मैं कमरे में बैठा हुआ था। उसने सारी साल ने आवाज़ निकाली, दांत नहीं उठाया, लेकिन उस टाइम में उसने ऐसी आवाज़ निकाली मैं रोना शुरू हो गया। तो इसी का नाम ही चाचू आजम साहब शौक है। कितने अरसे से शौक कर रहे हैं? ये मैं दुबई से आया हूँ, मैं कम से कम 30-40 साल हो गए मुझे। 30-40 साल हो गए। मेरे वालद साहब भी शौक करते थे, ठीक है, शुरू से हमारे घर का ये शौक है माशाल्लाह। लेते हैं हम देसी है। पिछले साल आपके पास राजनपुरी माशाल्लाह ताला जी। अच्छा ये जरा बताइएगा कि अंकल जी, सबसे पहले कि आपकी एज कितनी है, उम्र? मैं कम से कम 60-62 साल का। 60 या 62 साल। तो माशाल्लाह ताला जी ये आपकी एक्टिविटी है, सुबह उठते हैं इनकी खिदमत करते हैं, रात को इनकी खिदमत करते हैं। अब जी इनके माशाल्लाह ताला जी ये साहबजादे हैं। नाम भाई आपका क्या? जिशान भाई, आपके वाले साहब को माशाल्लाह ताला जी ये शौक है, और मुझे ये बताएं कि ये शौक आपको भी है और किस हद तक है? ये शौक एंड तक ही है, जुनून की हद तक है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये आपके वाले साहब भी आप में कन्वर्ट हो गए। आपने पिछले साल वीडियो देखी थी जो आपके वाले साहब की हमने आप बनाई थी, माशाल्लाह जी शेर दिल आदमी है, बहुत अच्छी माशाल्लाह ताला जी इनकी गुफ्तगू है, वैसे भी हंसमुख है। अच्छा ये भैया बताइएगा कि ये कितना टाइम हो गया ये आपने खरीदा? इसको हो गए 5 माह। 5 माह हो गए। जब आपने खरीदा था इसका वजन कितना था, कोई आइडिया दे हमें? कोई 30-32 किलो का था। ठीक है, अब इसके वजन का कोई आइडिया दे। और ये सबसे पहले ये बताइएगा कि ये मुँह से क्या है? ये धोंदा। धोंदा हो गया, इसका वजन का कोई आइडिया दे हाँ? माशाल्लाह, लेकिन ज्यादा है, मैक्सिमम आपको मैं बता देता हूँ, ये 70-80 किलो के राउंड बोर्ड इस वक्त इसका लाइव वेट की। चाचू आज साहब आपकी तो माशाल्लाह ताला जी आंखें तुली हुई हैं। अच्छा ये भैया बताइएगा कि सुबह इसको आगा सदाम अंडा कितना दिया जा रहा है? किलो अंडा सुबह डालते हैं, ठीक है, दोपहर को इसको ये हरे पट्टे, हाँ जी, उसके बाद फिर शाम को किलो अंडा माशाल्लाह। उसके साथ आपके जानवर का कोई लूज मोशन, कोई गैस, कोई फारा या किसी चीज की कोई मसला बना? कुछ भी नहीं। तो चाचू आजम साहब आप कितना बंडे से मुतमिन है? बंडा तो जितना मर्जी इनको डालो, लेकिन हम जितना डालते हैं उतना हमने बता दी माशाल्लाह। और नहीं उसके साथ जगाली, पेशाब, मेंगने, हर चीज ओके है माशाल्लाह। अच्छा जी नाम आप? हम सब 24 घंटे रखते हैं। 24 घंटे अभी भी मैंने देखा इस वक्त तकरीबन, ये मेरी घड़ी पे दोस्तों आप देख सकते हैं 12:45 का ये तकरीबन टाइम है इस वक्त, बाप बेटा मिलके माशाल्लाह खिदमत। आपने अपना नाम क्या बताया? जिशान भाई, मुझे ये जरा बताइएगा, आपने माशाल्लाह जी हौस संभाली है, तब से आपके घर में ये जानवर है? हाँ जी, बचपन से आपके वाले साहब को इतना शौक है। और मैं जब भी मैं लाहौर आया हूँ, यकीन करे यहाँ आके ब्रेक लगा लेते हैं कि यार जानवर अंकल का देख के जाना है, कैसा तैयार होता है कैसा नहीं। मेरे वाले साहब को इससे भी ज्यादा शौक था। अच्छा जी, आपसे भी ज्यादा शौक था? वो देसी लेते थे, ठीक है, लेकिन हर वक्त हाथ में उसमें पूरी पकड़े रखते थे, ठीक है। इस इलाके में जी जी उनके साइज का बकरा नहीं होता था माशाल्लाह। छतरे रखते थे, वो बकरा रखते थे, देसी रखते थे, देसी लोही नस्ल का, लोहे रंगा या ब्लैक, इनमें दो कलर, एक ब्राउन होता है एक काला होता है, बस ये दो
माशाल्लाह। इसका मतलब है कि ये पूरे गुलबाग बेगम में आपका एक नाम है। हमारे बाप का नाम था, आपके वाले साहब का नाम क्या था? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक साहब, अल्लाह ताला की उनकी रूह को दर्जात दे, उनकी आने वाली जितनी भी मंजिलें अल्लाह पाक आसान करे, बेहतर करे। अच्छा निशान भाई, ये जरा बताइएगा आप मुझे कि सबसे पहले ये आपको इस नस्ल का वाले साहब से शौक कन्वर्ट हुआ है? जी, ये हमारे इनको दादा से, हमारे दादा से बहुत वो रखने देते नहीं थे। एक मरतबा मैं बकरा लिया, ये कसाई हमारे वाकफ थे मंडी में, ठीक है, तो वो बकरा एक वो भी ला के देते थे, ठीक है। एक छतरा लेके आया तो गाड़ी में रक्षे में उन्होंने देखा, ठीक है, तो यार बकरा कौन सा उसने ले दिया, ठीक है। उसने बोला रक्षे से नीचे नहीं उतारना, तो वापस लेके वापस ले। फिर भाई मंडी गया, फिर उसने बकरा चेंज किया, छतरा चेंज किया, तो फिर हमारी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा जी अंकल जी, देखे ये बड़ी अच्छी बड़ी रिशान भाई, आपकी एज कितनी है, कोई आइडिया देखा? मैं 36 साल। 36 साल। अब ये देखे जी 62 साल के नवाला साहब है, 36 साल के रिशान भाई हैं, और ये देखे बाप बेटा मिलके एक ही जगह एक ही मुकाम नबी पैगंबरी शौक कर रही हैं, ठीक है ना, और उनकी बाप बेटा मिलके खिदमत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपका जी शौक कायम दायम रखे। अच्छा चाचू जी, वो पिछले साल आपने राजनपुरी जानवर ज़िबा किया था अल्लाह ताला की राह में रिशान भाई, उसमें से चर्बी कितनी निकली थी? चर्बी कुछ नहीं निकली, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा जी, साफ सुथरा गोश्त, साफ सुथरा गोश्त था अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे वंडे में जान है। और वो दूसरी बात ये है, हम हमारे मामू हैं वो खुद ही करते हैं। अच्छा, वो मान गए थे कहीं यार कुछ चीज, वो सब बोलते थे यार कुछ नहीं निकले, लेकिन जब उन्होंने ज़िबा किया गोश्त बनाया वो मान गए थे कुछ चीज निकली है। जिंदाबाद हो गया जी, जिंदाबाद हो गया जी बुजुर्ग, हकीकती बात में कर रहा हूं, हकीकती बात माशाल्लाह ताला। आज भी याद करते हैं, बोलते हैं यार वैसा छतरा बकरा जो है ना मैंने नहीं किया माशाल्लाह जी। वो कसाई है? नहीं कसाई नहीं है। हाँ जी, वो असल में इनके मामू है। अच्छा अच्छा, वैसे ही आके जो मामू है खुद ही कर लेते हैं, खुद ही ज़िबा कर लेते हैं, हम भी अपने जानवर खुद ही कर लेते हैं, समझ ले के साल बाद जो कसाई है वो ही है, वो भी जानता है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा जी शान भाई, जो नए शौकीनी है हजारों की तादाद में आपकी वीडियो देखने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देते हैं कि ये शौक कैसा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शौक बहुत अच्छा करना चाहिए माशाल्लाह, दूसरे शौकों से ये अच्छा शौक। अच्छा, कुत्ते बिल्लियां बिल्लियों से अच्छा बाबा जी ये शौक है, नबी पैगंबरी शौक है, नबियों ने इनकी खिदमत की है। हम खिदमत करते हैं, माल अल्लाह का है, माल अल्लाह का है, सीधी बात, सीधी बात है, खिदमत हम जरूर करते हैं माशाल्लाह, खिदमत हम करते हैं। देखो ये जैसा ये है ना, जैसा ये शरारत करेगा हम इसको टुका भी देंगे, सारी बात है, उसको भी मैं टका देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो बनने वाली को बात नहीं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, टका भी देता हूँ, ठीक हो गया जी। ये देखिए माशाल्लाह जी, ये अंकल है, ये इनके बेटे हैं, ये भी माशाल्लाह ताला जी, इनके साहबजादे, आपका नाम क्या है? सलमान। सलमान भाई, ये देखे जी, ये तीनों बाप बेटे माशाल्लाह ताला जी, ये शौक करते हैं। एक इनका और बेटा जो थोड़ा सा शर्मान है, पोता है मेरा। अच्छा जी पोता है, देखे जी पोते और पोतियों वाले होके माशाल्लाह जी इस नबी पैगंबरी माल का जी ये शौक कर रहे हैं। निशान भाई, इसका एक दफ़ा दान जरा चेक करवाएं हमारी ऑडियंस को। ये देखे जी दोस्तों, कन्फर्म माशाल्लाह ताला जी ये धोंदा है। अंकल जी, जब भी लाहौर आना है आपसे मिलके जाया करेंगे, आपसे जफ़ी डाल के जितना सुकून होता है ना, अल्लाह जानता है, इस तरह फील होता है जिस तरह अपने बड़ों बुजुर्गों को मिल रहे हैं। जफ़ी डालनी है, खिदमत ही खिदमत है। निशान भाई आपका भी बड़ा थैंक यू, शुक्रिया मेरी जान, अल्लाह ताला की ज़ात आपका, आपके वाले साहब का, और ये सलमान भाई का, तमाम भाइयों का अल्लाह ताला की ज़ात शौक का है। निशान भाई एक तरह जरा सीधा करें, नमाज पढ़ के इसको लग जाता हूँ। अच्छा जी, पहले नीचे उतारता हूँ, ठीक है, चक्कर लगवा के आके, ठीक है, इनको जो भी बंडा डालना, जो भी डालना होता है, फिर मैं जाता हूँ, फिर मैं एक घंटा आराम करता हूँ माशाल्लाह। उसके बाद 10 बजे मैं फिर नीचे उतरता हूँ, फिर इसको मैं धूप वगैरह दिखाता हूँ वहाँ सामने, ठीक है, तो ऊपर से हम देखते रहते हैं कि जी जी। फिर उसके बाद दोपहर का, हाँ जी दोपहर का आप जो इसका राशन वगैरह देते हैं माशाल्लाह, उसके बाद फिर 3:30-4 बजे देना जी जी, इसको दाना बनता माशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात आपका शौक कायम दायम रखे। बाकी आपने स्पेशली हमारे बुजुर्गों के लिए दुआ करनी है, पहले भी माशाल्लाह ताला हम जी लाहौर आए थे, एक दफ़ा दोबारा बता दिए किस जगह पे मौजूद है? बाग गुल बेगम मजंग मिजंग। तो बाकी दोस्तों आज इनके साथ मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अल्लाह ताला की ज़ात इनका शौक कायम दायम रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, शान साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाबा जी को आगा सदाम अब्बास और इनके अहले याल के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।